सूबे में इस वक्त छात्र संघ चुनावों की चकाचौंध देखने को मिल रही है। छात्र प्रत्याशी जीत के लिए मतदाताओं से बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच एक छात्र प्रत्याशी ऐसा भी है जो देख तो नहीं सकता लेकिन उसके बुलंद हौसले कॉलेज की तस्वीर बदलने का ऐलान कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान में इन दिनों कैंपस राजनीति का खुमार है। गली मोहल्लों, चौराहों और कॉलेजों की चार दीवारी से छात्र संघ चुनाव की गूंज सुनाई दे रही है। कैंपस का किंग बनने के लिए हर छात्र अपनी अपनी किस्मत आजमा रहा है, बड़े बड़े वादे कर रहा है। राजस्थान विश्वविद्यालय को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बनाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हेमराज मीणा से मिली, जिनकी आंखों में रोशनी तो नहीं है लेकिन वो राजस्थान विश्वविद्यालय को दिक्कतों से मुक्त कराना चाहते हैं। मैं दिमाग से नेत्रहीन नहीं हूँ, ये बात सही है कि मैं नेत्रहीन हूँ क्योंकि ईश्वर ने मेरे में कुछ कमी तो दी है, ये बात तो सही है, लेकिन वो दिमाग से नेत्रहीन है, जिसको आप शुद्ध हिंदी में बोल सकते दिमाग रहित ज्योति, क्योंकि यहाँ पर एक भी क्लास नहीं चलती राजस्थान कॉलेज के अंदर। कभी किसी दिक्कत से हार नहीं मानने वाले खेमराज मीणा कहते हैं कि कभी उन्होंने अपनी कमजोरी खुद पर हावी नहीं होने दी। कॉलेज में प्रवेश लिया तो बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा लेकिन कभी हार नहीं मानी। हर साल छात्र प्रत्याशी वादे तो बहुत करते हैं लेकिन काम कभी नहीं करते। मुझे आंखों से दिखाई नहीं देता लेकिन फिर भी समस्या दिखती है। इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। सबसे जो बड़ी समस्या जो है, एक तो यहाँ पे फीस जो SFS की है वो तकरीबन 12,000 से लेकर 15,000 तक ली जाती है, उसको बिल्कुल न्यूनतम लाना चाहिए। यहाँ पे जब हम फीस रसीद कटाते हैं तो हेल्थ संबंधित पैसे लिए जाते हैं, तो यहाँ तो हेल्थ संबंधित तो क्या कोई मर भी जाए तो एम्बुलेंस बुलाने के लिए तैयार नहीं है। अपने इरादों के दम पर खेमराज मीणा ने छात्र राजनीति में उतरने की तो सोच ली है, लेकिन चकाचौंध भरी इस अंधेरी छात्र राजनीति में खेमराज मीणा उजाला कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। ललित कुमार, जी मीडिया, जयपुर।